Good morning, class 9th. Today we are doing our chapter number 1 of history, which is French Revolution. We already discussed our part 1 and part 2. Now this is part 3. France abolished monarchy and become a republic. इसमें हम पढ़ेंगे कि जिस तरह पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि लोगों में आपसी तनाव था जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट करी. बढ़ते हुए ब्रेड के प्राइसेस, राजा के द्वारा बढ़ाए गए टैक्स, इन सब परेशानियों से परेशान होकर उन लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट करी. सो द कंडीशन द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी द टेंस ड्यूरिंग दिस फॉलोइंग ईयर. इस दौरान, इन सालों के दौरान जो फ्रांस की जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा टेंस होती चली गई. लुई 16 ने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली ने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो साइन कर दिया, पर वो क्योंकि इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था इसलिए उसने सीक्रेटली पर्शिया के किंग के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किया. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स. आसपास की कंट्रीज़ के राजा भी इस चीज़ से बड़े ही परेशान थे कि फ्रांस में जो ये रेवोल्यूशन चली हुई है जिसके में जो ये लोग हैं ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस तरह उन्होंने प्लान किया कि हम लोग ट्रूप्स को पहले भेजकर और इस जो मूवमेंट, जो रेवोल्यूशन है, इसको स्टॉप कर दें. बट इन अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पड़ोसी जो हमारी कंट्रीज थी इसकी, पर्शिया और ऑस्ट्रिया की अगेन वॉर स्टार्ट कर दी, उनके अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट कर दी जिससे उनको अंडर कंट्रोल रखा जा सके. जो जनता थी, जो लोग थे, जो इस जंग को बिल्कुल ही पर्सनली मींस थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, दूर दूर से लोग आकर इसको ज्वाइन करते थे ताकि वो इस सब वॉर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके. दे सो दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. पूरे यूरोप में इसे एक तरफ आम जनता और दूसरी तरफ राजा के खिलाफ इसे जंग माना गया. लोग गाने गाते रिवोल्ट के लिए या रेवोल्यूशन के लिए जाते थे. इन सब सॉन्ग्स में जो जनता थी, जो जिन सॉन्ग को गाती थी, उसमें एक पोएट है हमारे जिसका नेम है रॉजेट डी लाइल के द्वारा लिखा गया मर्सीले सॉन्ग, जो आज के टाइम पे फ्रांस का नेशनल एंथम है. फ्रांस का नेशनल एंथम मर्सीले, इस सॉन्ग को गाते हुए वो लोग अपने मूवमेंट्स के लिए मार्च करते थे और पेरिस में घूमते थे ताकि उनसे इनकी देशभक्ति की भावना जागे और वो राजा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके. द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल. इस वॉर से लोगों की जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज जो मैन थे वो वॉर के लिए बाहर चले गए. अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ब्रेड लाने का काम, वो सब लेडीज़ के ऊपर आ गया. वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर. बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि हमें इस रेवोल्यूशन को आगे चलाते जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो राइट्स मिले हुए थे सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल्स को मिले हुए थे. जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसे ही 1791 में बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स जो थे सिर्फ रिचर सेक्शन को ही मिले हुए थे. तो पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलीज पॉइंट फॉर पीपल हु विशेस टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शंस. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स. इस तरह लोगों ने अपने अपने क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि वो इस वॉर में अपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें और डिस्कशन करें अबाउट द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन. जो अलग अलग क्लब्स बने उसमें सबसे ऊपर क्लब जो बना वो था जैकोबिन क्लब. द नेम इज़ जैकोबिन क्लब.
इस क्लब के जो हेड थे, जो नेता थे, वो है थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो सबसे जो ऊपर क्लब बना वो था आपका जैकोबिन क्लब, और जो इसके हेड थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. जिन लोगों ने स्पेशल पैंट, जो साइड में फिगर नंबर 9 में आप देख सकते हैं, स्पेशल पैंट इन लोगों ने पहनी, जिससे वो अपने आप को जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उससे अपने आप को अलग दिखा सके. द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्स मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये एक ऐसे ग्रुप से आते थे जो ज़्यादा प्रॉस्परस मींस ज़्यादा जो रिच कल्चर से ना होकर बल्कि मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते थे. दे इंक्लूडिंग स्मॉल शॉपकीपर्स. इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड थे जैकोबिन क्लब में? जैसे कि आपके स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस सच एज शू मेकर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्रीज बनाने वाले, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स जो प्रिंट करने का काम करते हैं, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, ऐसे लोग इस जैकोबिन क्लब में शामिल थे. द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोन बाय डॉक वर्कर्स. जैकोबिन क्लब्स के लोगों ने इस तरह की धारीदार लंबी पट्टियों वाली पेंट पहनना ज़्यादा अच्छा समझा, ताकि वो लोग अपने आप को रिचर सेक्शन से अलग दिखा सके. दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के जो फैशनेबल सेक्शन थे उन लोगों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए, दैट वी आर स्पेशल्स, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रिचेस. नी ब्रिचेस का यह मतलब है कि जो नोबल्स लोग थे वो नीज तक की पेंट पहनते थे, जिससे वो अपने आप को फैशनेबल दिखाना चाहते थे सोसाइटी में, और साथ ही साथ ये शो करते थे दैट वी आर मोर सुपीरियर देन यू. तो उन लोगों को दिखाने के लिए दैट वी आर मोर सुपीरियर, उन लोगों ने फुल पैंट, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने फुल पैंट पहनना स्टार्ट किया. वॉज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल बाय द वियर्स ऑफ नी ब्रिचेस. उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप लोगों की पावर्स खत्म हो चुकी है. दिस जैकोबिन्स केम्स टू बी नोन एज सेंस क्लूटर्स. इसमें हिंदी में जैसे बोलते हैं सो कुलात, यानी कि इन लोगों को कहा गया, इसका मीनिंग होता है, लिटरली मीनिंग है इसका, दोज विदाउट नी ब्रिचेस. वो ऐसे लोग हैं जिनको बिना घुटने वाले कहा गया, क्योंकि इनकी पैंट्स फुल होती थी और ये एक हायर सेक्शन जो सोसाइटी का था उसको चैलेंज कर रहे थे कि आपकी पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं. इन लोगों ने अपनी रेड कैप पहननी स्टार्ट करी. रेड कैप का मीनिंग हम स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं. इट मींस इट सिंबलाइज लिबर्टी. अपने आप को आज़ाद दिखाने के लिए इन लोगों ने रेड कैप पहनना स्टार्ट किया. वुमेंस हाउ एवर वर नॉट अलाउड टू डू सो. लेडीज़ को, औरतों को ये सब करना अलाउड नहीं था. इन द समर्स ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एंड instructions of a large number of Persians who were angered by the short supply and high prices of food. 1792 में उन जैकोबिन क्लब के लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि प्लान करा उन लोगों ने कि हम लोग जो ये ब्रेड के प्राइसेस इतने हाई हैं, फूड के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ा रखे, इसके अगेंस्ट हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे. और इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग 10th of August को इन लोगों ने ट्यूलेरियल पैलेस पर अपना कंट्रोल कर लिया, उस पर अटैक किया, उसके राजा को हॉस्टेज कर लिया, मींस बहुत घंटों के लिए, सेवरल आवर्स के लिए. और असेंबली ने, जो नेशनल असेंबली थी, उसने डिसाइड किया दैट कि पूरी पूरी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, पूरी रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाए. एंड देन इलेक्शन वर हेल्ड. दोबारा इलेक्शन हुए, और इस बार इस इलेक्शन में एक नई बात ये थी कि 21 ईयर्स एंड अबव के लोग जो थे वो इसमें वोट कर सकते थे. और इस बार प्रॉपर्टी को इसका कोई भी सेक्शन नहीं माना गया, वो प्रॉपर्टी के बेसिस पर वोटिंग का राइट्स नहीं मिला. कोई भी व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, दे कैन वोट. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वर कॉल्ड द
conventions. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. 21 September 1792 में फ्रांस का जो मोनार्की सिस्टम था उसको हटाते हुए इसको फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया कि फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री है. और उसके साथ ही लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन. मींस देशद्रोह के इल्ज़ाम में लुई 16 को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई. सो 21 जनवरी 1793 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कनकॉर्ड. डी ला कनकॉर्ड में द पैलेस डी ला कनकॉर्ड में पब्लिकली सबके सामने लुई 16 को फांसी की सजा दी गई. जल्द ही उसकी रानी मैरी एंटोनिन के साथ भी ऐसा ही हुआ. द टेरर ऑफ द रीजन ऑफ टेरर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसको बड़े ही ध्यान से आप लोग इस पैराग्राफ को समझेंगे. द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर. इसका मतलब है कि 1793 से 1794 का जो टाइम था वो आतंक का टेरर का समय माना गया, क्योंकि इस टाइम पे जो जैकोबिन क्लब जो पावर में आ चुका था, उस जैकोबिन क्लब का जो हेड थे रोबेस्पियर, अपनी ही पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी. रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट. पनिशमेंट देने की उन्होंने अपनी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था. ऑल दो हुम ही सो ए बीइंग एनिमीज, जिसको भी वो दुश्मन देखते थे, चाहे वो नोबल्स हो, क्लर्सी हो, या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हों, या इवन उन्हीं की पार्टी के मेंबर हो जो उनकी बातों से एग्री ना करते हो, जो उनके मेथड को फॉलो ना करते हो, ऑल वर अरेस्टेड. सबको अरेस्ट कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था. एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट में जब उनका केस चलता था, अगर वो गिल्टी पाए जाते थे तो उन्हें गिलोटीन की सजा दी जाती थी. गिलोटीन एक ऐसी सजा है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दोनों तरफ लकड़ी के फट्टे लगकर बीच में ब्लेड बनाता था, जिससे जो गिल्टी है, जो दोषी है, उसकी गर्दन काट दी जाती थी. इट वॉज नेम्ड, इस मशीन का नाम गिलोटीन जो है वो इसके जो इन्वेंटर थे डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर ही इसका नाम गिलोटीन हुआ. रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशू लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस. रोबेस्पियर ने भी खुद गवर्नमेंट बनाने के बाद जो प्राइसेस थे ब्रेड के वो ज़्यादा कर दिए. मीट एंड ब्रेड और राशन, सबको राशन कर दिया गया और पूरे सोसाइटी में सिर्फ एक ही तरह का महंगा आटा बंद कर दिया गया और सिर्फ एक समान रोटी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से इक्वालिटी ब्रेड, जिसको नाम दिया गया इक्वालिटी ब्रेड. इसका मतलब है कि सब लोग समानता की रोटी खाएंगे. सबके लिए कंपल्सरी कर दिया गया कि सबको सेम ब्रेड ही खानी है. इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस. बोलने से भी, एक दूसरे के बात करने से भी उसमें इक्वालिटी लाना चाहते थे, जिसमें कि उन्होंने सर और मैडम जैसे शब्दों को स्टार्ट किया, मतलब हटाते हुए उन्होंने सितोयेन और सितोयीन जैसे मैंस के लिए सितोयेन और लेडीज़ के लिए सितोयीन जैसे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए कहा, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके. सारी चर्चेस जितनी भी थी, चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक ऑफ ऑफिसेज, और उनकी बिल्डिंग्स को बैरक और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया. आर लास्ट पार्ट इज ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट. क्योंकि जैकोबिन में रोबेस्पियर अपनी ही मनमानी करने लग गया था, किसी की सुनता नहीं था, जिसके अगर कोई भी उसके अगेंस्ट जाता था तो उसे गिलोटीन की सजा मिलती थी. अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. जैसे ही जैकोबिन क्लब धराशायी हुआ, उसी के साथ मिडिल क्लास के पास दोबारा से पावर आ गई और उन्होंने फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन एक बना दिया, जिसमें कहा गया कि नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे विल नॉट वोट. इलेक्शन में उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी. इट प्रोवाइड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें 5 मेंबर्स हुआ करेंगे और जो एग्जीक्यूटिव प्लान करेगी, मींस जो डिसीजन दिया करेगी डायरेक्टरी में, और साथ ही साथ
one man executive as under Jacobins. Under the directory often clashed with the legislative council. Legislative council और directors की हमेशा आपस में बहस रहती थी जिसकी वजह से उनमें clash होता था और इसी वजह से इस सब को dismiss कर दिया गया और इसी के साथ उदय होता है Napoleon Bonaparte का. Napoleon Bonaparte जो एक dictator थे जो फ्रांस के ऊपर जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया उसके बाद में बारे में हम next chapter में आगे पढ़ेंगे. तो class कल जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि फूड बैंक ऑफ नीडी पीपल ये स्कीम किसने स्टार्ट की है तो इट इज स्टार्टेड बाय मणिपुर. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी सेफ सैनिटाइजर टनल वो स्टार्टेड बाय कौन से ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने बी सेफ सैनिटाइजर टनल जो है वो स्टार्ट की है. सो आई होप यू ऑल गिव मी आंसर्स. थैंक यू.